गॉसिप गोठ में अगली चर्चा है गोबर की। गोबर की चर्चा इन दिनों काफ़ी चल रही है छत्तीसगढ़ में। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने गोबर खरीदने का एक अभियान चलाया है। छत्तीसगढ़ सरकार गोधन न्याय योजना के माध्यम से गोबर खरीदो योजना बनाकर चल रही है। इसके लिए बाकायदा कैबिनेट की बैठक में गोबर खरीदी का दर तय किया गया। सरकार ने गोबर खरीदी के लिए पहले 1.5 रुपया दर तय किया, फिर अनेक विरोधों को देखते हुए, विरोध के साथ मांगों का ध्यान रखते हुए गोबर का दर 2 रुपया तय कर दिया गया। और बीती हरियाली सरकार ने छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना लागू कर दिया गया और प्रदेश भर में 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदे जाने लगे। छत्तीसगढ़ सरकार की इस गोधन न्याय योजना के लिए हरियाली के दिन सभी जिलों में हरियाली त्यौहार के साथ माननीयों ने गोबर की टोकनी तराजू पर तौली। इतना ही नहीं, किसी किसी ने तो गोबर का टुकना अपने सर पर उठा लिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के प्रयासों से साकार हो रही ग्रामीण विकास की परिकल्पना का यह हिस्सा आने वाले समय में महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके संकेत शुरुआत से ही सरकार ने दे दिए हैं। पहले गोबर के लिए तय दर 1.5 रुपये को बढ़ाकर 2 रुपया, फिर गोबर खरीदी के लिए योजना ही नहीं, इसके साकार होने के लिए ठोस अभियान के साथ सरकार जुट गई है। अब ये देखा जाना है कि आने वाले समय में ये गोबर खरीदी योजना से सरकार कितना लाभान्वित होती है, लोग कितना लाभान्वित होते हैं और ये योजना किस मुकाम तक जाती है। परंतु गांव-गांव के पंचायती में चर्चा होने लगी है। अब हमर तो जब खुल ही तब खुल ही, गोबर के भाग तो खुल गए। दूध वाले भी हो ही कांग्रेसी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को 1.5 साल हो गए, लेकिन अभी तक दुग्ध संघ के अध्यक्ष के रूप में भाजपाई व्यक्ति ही विराजमान था। भारतीय जनता पार्टी के समय के चुने गए अध्यक्ष अभी तक दुग्ध संघ की जिम्मेदारी निभाते आए हैं। 15 साल की भारतीय जनता पार्टी के रमन राज के बाद कांग्रेस सत्ता में आई। सरकार के गठन से लेकर 1.5 साल पूरा होने तक छत्तीसगढ़ में सभी निगम मंडल में नियुक्तियां लंबित रहीं। विभागीय मंत्री सभी मंडलों के अध्यक्षीय दायित्व का निर्वहन करते रहे। हम आपको बता दें, सरकार के बनते ही पूर्व सरकार द्वारा नियुक्त सभी अध्यक्षों एवं सदस्यों ने पद से इस्तीफा दे दिया था, संवैधानिक पदों को छोड़कर। कुछ एक संवैधानिक पदों में यहाँ पे विवाद की स्थिति भी आई और उनके इस्तीफे की मांग को ध्यान में रखकर वे कोर्ट चले गए। कोर्ट ने किसी को स्टे भी दिया। इसी क्रम में रसिक परमार जी दुग्ध संघ के जो अध्यक्ष थे, ये तो दुग्ध संघ के अध्यक्ष विधिवत चुनाव के द्वारा बने थे। प्रदेश के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले संघ की चुनावी प्रक्रिया से गुजरकर विधिवत अध्यक्षीय दायित्व का दूसरी बार निर्वहन करने वाले रसिक परमार जी सरकार के निशाने पर आ गए। कांग्रेसी सरकार के निशाने पर आए रसिक परमार जी को रोज़ अरे अनेक अड़ंगों का सामना करना पड़ा। और इतना ही नहीं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के अनेक आरोप लगे। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करते रहे रसिक परमार आखिरकार टूट गए और उन्होंने दुग्ध संघ से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते ही अब कांग्रेसी खेमे में चर्चा है, अब तो दूध वाला भी कांग्रेसी हो ही।